जिसको बोटिंग करना है ये देखो यहाँ में टिकट मिलता है और हम वो देखो बोटिंग वहाँ में करते हैं सब कोई। हेलो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर। तो आज है जनवरी 1 तारीख 2023। तो मैं आया हूँ अभी फिलहाल, 3:30 बज रहे हैं अभी, और ये देखो कार्बिन बीच में हूँ, वो साइड हम लोग जाएंगे अभी। तो वो साइड पूरा भीड़ है, और ये क्या, काश मैं सुना पाता था, थोड़ा दूर हो गया, नहीं तो यहाँ पूरा डांस उन चल रहा है। ओ वेलकम टू कार्बिन बीच। पानी पूरा किनारा तक है, इसलिए सब कोई पानी से बाहर में है। खैर तो ये देखो बोट उट सब आज खड़ा है, पता नहीं क्योंकि पानी जो है पूरा बाहर आ गया आज तो दूर तक। न्यू ईयर का दिन है, इतना भीड़ है आज देखो, और पानी पूरा लहर मारता है, कोई अंदर जा ही नहीं सकता, बाकी सब ऐसे ही यहाँ बाहर में खड़े होके मज़े ले रहे हैं। ये देखो हम जो बोट देखा कैसे उल्टी पलटी होके आता। चलो भाई, तो भाई जिसको बोटिंग करना है ये देखो यहाँ में टिकट मिलता है और हम वो देखो बोटिंग वहाँ में करते हैं सब कोई। लाइफ जैकेट सब यहाँ में है, सब कोई यहाँ में मैनेज करते हैं। आज थोड़ा लहर ज़्यादा है, पूरा पानी लास्ट तक आ जाता है, इसीलिए कोई अंदर घुसा नहीं है। चलो आज हम लोग वो लास्ट तक जाके आते, थोड़ा घूम के आएंगे, पूरा भीड़ है आज देखते। मैं थोड़ा अंदर घुस के आता हूँ। ये देखो यहाँ में टिकट मिलता है, बोट यहाँ से जाता है अंदर। ये देखो काफ़ी लहर है आज पूरा, बाकी बोट यहाँ में खड़ा है इतना सारा। ये देखो तो यार नीचे से तो नहीं जा सकता, मैं ऊपर से जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि पानी आ रहा है पूरा आज। ये देखो वैसे यहाँ में हर संडे भीड़ रहता है, आज भी भीड़ है और भी ज़्यादा भीड़ होता था, लेकिन पानी जो है पूरा कोना तक है। आज फुल हम लोग लास्ट तक जाने वाले हैं, पहली बार दिन का टाइम आया बहुत दिन के बाद, नहीं तो हम लोग रात का टाइम ही आते हैं यहाँ में। बाकी डाबू पे ये दो दुकान बंद है, न्यू ईयर मनाते लगता। ये देखो यहाँ में 40 रुपये लेते डब, जिसको पीना है पीना। तो गाइस ये है कार्बिन बीच, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ, फोर व्हीलर का ये सबसे बड़ा बीच है और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं में होता है। तो ऐसे मैं वीडियो यहाँ में बहुत बार बना चुका हूँ, लेकिन आज न्यू ईयर है तो हम लोग आए थे ऐसे घूमने, तो सोचा ठीक है आप लोगों को दिखा दूँ न्यू ईयर स्पेशल यहाँ में क्या होता है। तो यही है न्यू ईयर स्पेशल। वैसे कोई पानी में जा नहीं सकते क्योंकि लहर जो है पूरा ऊपर तक आ रहा है, पानी पूरा ऊपर तक। मैं जाके दिखाता हूँ थोड़ा आगे साइड में जाके पानी कैसे ऊपर तक आ रहा है। बाकी यहाँ में रात को कुछ प्रोग्राम हुआ था, लेकिन हम लोग रात को यहाँ में नहीं था, घर में था, घर में न्यू ईयर मनाया, रात को केक वूक काटे, रात को मैं अच्छे से सोया भी नहीं, मेरा आँख ही पूरा अंदर घुस गया, इसलिए मैंने सनग्लास पहन लिया है क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो देखते आगे जाते घूमते, उसके बाद फिर यहाँ से घर जाएंगे। हम लोग सुबह से आज कुछ खाया भी नहीं है, खाली 3 परोठा खाया था वही बस, उसके बाद यहाँ से जाते कहाँ में, हाँ ठीक है वहाँ, हाँ तो यहाँ से जल्दी जाएंगे, वो लास्ट तक घूम के आते फिर पानी पूरी खाने जाएंगे। क्योंकि ये देखो यहाँ में रात को प्रोग्राम हुआ था पर हम लोग आए नहीं, कोई बात नहीं दिन का टाइम आया। थोड़ा मैं पानी दिखाता हूँ यहाँ में कैसे लहर ऊपर तक आता है। तो यार सब कोई पहले वो साइड में रहते थे, इस बार ये साइड में सब आए,
क्योंकि वो साइड में पानी लहर पूरा फुल ऊपर तक आता है, तो ये साइड में थोड़ा खुला एरिया है, तो सब इधर ही न्यू ईयर मना रहे इस बार, क्या करेंगे, मजबूरी है। सबसे ज़्यादा भीड़ आज ये साइड में, क्योंकि ये साइड में सबसे ज़्यादा खाली रहता है, फिर भी ये साइड ही भीड़ है। सब मेरे को घूर रहे, पता नहीं, शायद ब्लॉगर देखा नहीं है क्या, फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया था, सोचा दिखा दूँ। तो बस मेरे को उस कॉर्नर तक जाना है और उसके बाद फिर वापस आऊँगा थोड़ा देर बाद, क्योंकि रोहित को छोड़ के आया हूँ मैं। यार ये देखो सब अपना अपना बैठे ऐसे ही मस्ती करते हैं, थोड़ा यहाँ का लेयर देखते थोड़ा। तो ये देखो बच्चे लोग कुछ कुछ नहा रहे, बस थोड़ा सा यहाँ से देखो, हमें वहाँ से यहाँ ऐसे चल के आया साइड से, बाकी यहाँ का लहर देखो पूरा बड़ा बड़ा लहर आ रहा है, इसलिए कोई अंदर भी नहीं जा रहा है, क्योंकि लहर जो है बाहर फेंक देगा उठा के। तो गाइस ये देखो मैं वहाँ तक गया था, वहाँ से अभी फिर वापस आ गया, रोहित वहाँ में बैठा है, चलो चलते फिर वापस वो साइड में। और ये देखो आज तो लहर पूरा ऊपर तक आ जाता है, इसीलिए कोई अंदर जाता नहीं है, भीड़ भी बहुत है लेकिन पानी का वजह से कोई अंदर जाता नहीं है। लगी वो देखो बोटिंग कर रहे दो तीन लोग, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पर भी चलता है दो तीन, ज़्यादा लहर आता है इसलिए आज ज़्यादा बोट चलता नहीं। अरे यार यहाँ में दो ही सीट है, जिसको आना है बुक कर लेना पहले, नहीं तो नहीं मिलेगा बैठने के लिए। हाँ तो यार ये लहर जो है ना आज सबका टाइम ख़राब कर दिया, क्योंकि कोई बाहर अंदर जाके नहा भी नहीं सकता है, सब बाहर से ही देख रहे हैं कार्बिन बीच को और मस्ती करते हैं, क्या करेंगे। बाकी ये साइड में फूड सब मिल जाएगा, कुछ कुछ सामान भी मिलेगा जिसको लेना है, यहाँ का निशानी तो यही है कार्बिन बीच। ये देखो हम लोग यहाँ से वापस चल रहे हैं, क्योंकि भूख बहुत लग रहा है, घर से बार बार कॉल आता है हम लोग को, नहीं तो घर नहीं जाएंगे तो आज के बाद और घर घुसने नहीं देंगे, लात मार के भगाएंगे। आज हम लोग का घर में मटन उटन बना है, फिर भी हम लोग बिना खा पी के घूमते हैं ऐसे ही। तो काफ़ी भीड़ हो गया फिर से, और पता नहीं अभी सबको आ रहे और लगता, कोई बात नहीं हम लोग यहाँ से घर जाते हैं। यार देख लो और एक बार ये लोग का, ठीक है यार मस्त फुटबॉल खेलो किनारा में, हम लोग तो इससे पहले हम लोग बड़ा भालू छोटा भालू दोनों बीच जाके आ गया। मैं देखता हूँ कौन सा वीडियो कब डालूँगा मेरे को नहीं पता, फिर भी एक बार मेरा चैनल चेक कर लेना, या फिर नहीं डाला होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, मैं डालूँगा ज़रूर, क्योंकि मैंने दो तीन जगह का वीडियो बना चुका है और हर जगह पूरा फुल भीड़ था आज बीच में, जैसे यहाँ में है। तो फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग घर चलते हैं, भूख लगता है यार, और आप लोग न्यू ईयर को एंजॉय करो, अच्छा से मनाओ, और बस लाइक नहीं करा तो कर देना फटाफट। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, हैप्पी न्यू ईयर और एक बार। गाड़ी का लाइन देखो यार पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए क्या, रफ्तार रफ्तार। गाड़ी आता पूरा लंबा लाइन है गाड़ी, वो देखो वहाँ तक दूर दूर तक गाड़ी खड़ी है, निकालेगा कैसे, थोड़ा सा जगह है अभी देखो, वो थोड़ा सा आगे चली जाएगा तो